एशिया कप के हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। विराट कोहली और राहुल ने तीसरे विकेट के लिए 233 रन के साझेदारी की। दोनों ने नाबाद शतक जड़कर पाकिस्तान को पहाड़ जैसा विशाल स्कोर दिया। लक्ष्य हासिल करने को जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पाकिस्तान की टीम ने 32 ओवर में 128 रन ही बना सकी, जबकि घायल होने के कारण पाकिस्तान के दो खिलाड़ी नसीम शाह और हारिस रऊफ ने बल्लेबाजी नहीं की। इसलिए पाकिस्तान की पारी 32 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 128 रन पर समाप्त हो गई। टीम इंडिया ने वनडे एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को रिकॉर्ड 228 रन से हराया। इससे पहले 2008 में भारत ने पाकिस्तान को 140 रन से मीरपुर के मैदान पर हराया था। आपको बता दें कि इस मैच में कोहली राहुल ने एशिया कप की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 194 बॉल पर नाबाद 233 की साझेदारी की। इनसे पहले पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज और नसीर जमशेद ने 2012 में भारत के खिलाफ 224 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।